अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मध्य रेलवे के 36 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें से 44 स्टेशन महाराष्ट्र के हैं, जिसमें भुसावल डिवीजन में आने वाला धार्मिक स्थल श्री क्षेत्र शेगांव भी है। हम सभी को पता है कि शेगांव का अपना एक अलग महत्व है। यह एक धार्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। श्री गजानन महाराज की पावन भूमि है और यहाँ प्रसिद्ध गजानन महाराज मंदिर है, जहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं, जिनमें अधिकतर रेल यात्री शामिल हैं। और यह स्टेशन 1864 में बना हुआ अंग्रेज कालीन स्टेशन है और जिसका अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले अलग अलग स्टेशनों का विकास होगा। उसी श्रृंखला में शेगांव रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन पर भविष्य में यात्रियों के लिए सुविधा और बढ़ा दी जाएगी। स्टेशन पर सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए स्टेशन भवन, प्रवेश एवं निकास द्वारा, फुट ओवर ब्रिज, कॉन्कोर्स प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, दिव्यांग सुविधा, जल व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पहुंच पथ, संकेत एवं निर्देश बोर्ड, ट्रेन डिस्प्ले और घोषणा प्रणाली सुंदरीकरण आदि आवश्यक विकास कार्य होंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित रोड ओवर ब्रिज तथा अंडरपास के माध्यम से लोगों को अवरोध मुक्त एवं सुरक्षित सड़क यातायात की सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी, ऐसी जानकारी रेल अधिकारी द्वारा साझा की गई। आपको बता दें कि इस योजना के तहत निर्माण किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों पर रूप प्लाजा और सिटी सेंटरों का निर्माण भी किया जाएगा। योजना के तहत शेगांव स्टेशन को पूर्ण रूप से आधुनिक बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा, जहां पर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था होगी। स्टेशन से नागरिकों को शेगांव शहर की कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त कराई जाएगी। स्टेशन पर यात्रियों को चलने के लिए पैदल मार्ग बनाए जाएंगे तथा नागरिकों के वाहन की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी और प्रकाश की व्यवस्था भी इस योजना के तहत स्टेशन में प्रदान कराई जाएगी। अमृत भारतीय स्टेशन योजना के अंतर्गत यात्रीगणों के लिए यहाँ प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण किया गया है। स्टेशन के नव निर्माण के कार्य को मई 2024 तक पूरा किया जाएगा, जिससे जल्द ही नागरिकों को बेहतर स्टेशन की सुविधा प्राप्त हो सके, ऐसा रेल अधिकारी इनके द्वारा कहा गया। अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जो है शेगांव स्टेशन का डेवलपमेंट किया जा रहा है और उसी श्रृंखला में हम बातचीत करेंगे कि यहाँ किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी सुविधाएं जो है यहाँ यात्रियों के लिए होने वाली है। इस डिविजनल इंजीनियर DK शुक्ला इनसे जानते हैं। सर, क्या बताओगे कि हम देख रहे हैं कि काफी कार्य यहाँ चल रहा है और कुछ कार्य हो भी चुका है, तो कौन से कार्य यहाँ हो रहे हैं? यहाँ पर बेसिकली हम फसाड इम्प्रूवमेंट का कार्य कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री नॉर्थ साइड में सेकेंड एंट्री डेवलप कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग जो रूम्स है हमारे, वेटिंग रूम्स है, बुकिंग ऑफिस है, उसका रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। लैंडस्केपिंग, पार्किंग एरिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं और 12 मीटर वाइड FOB एंड टू एंड कनेक्टिविटी देने के लिए हम उसका प्रोविज़न कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल का प्रोविज़न किया गया है, एंट्रेंस गेट का प्रोविज़न किया गया है और कोच इंडिकेशन बोर्ड जो रहते हैं हमारे, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड रहते हैं, लिफ्ट का, एस्केलेटर का और भी दूसरे जो जितनी दिव्यांगजन फ्रेंडली जो सुविधाएं होती है, दिव्यांगजन के हिसाब से जो टेक्टाइल टाइल का प्रोविज़न, वाटर बूथ का प्रोविज़न और साथ में उनके लिए बुकिंग विंडो जो दिव्यांग फ्रेंडली हो, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, वो सब इसमें रखी गई है। हम देखते हैं कि ये जो है क्षेत्र ऐसा है, शेगांव क्षेत्र, यहाँ भक्त जो है शेगांव में शेगांव के गजानन महाराज के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा पैमाने पर आते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो प्लेटफॉर्म 3 है, तो इसे भी अधिक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत यहाँ है, जिस तरह से लोग आते हैं और कितने यात्री लोग यहाँ से रोज आना जाना करते हैं, क्या बताओ? अभी यहाँ पर करीब 13,400 लोग के आसपास फुटफॉल है यहाँ का। वर्तमान में यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्लेटफॉर्म 1 और 2 पूरे लेंथ के लिए, पूरे 24 कोचेस के लिए है और प्लेटफॉर्म 3 की लंबाई कम है, जिसको फ्यूचर में बढ़ाने का प्रोविज़न किया गया है और आगे हो सकेगा तो इसमें फेज 2 में हमने होम प्लेटफॉर्म का नॉर्थ साइड में प्रोविज़न रखा है। इसका जो है इसको एक ऐतिहासिक महत्व है इस जगह को, तो हम अगर आते हैं रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो कुछ झलकियाँ जो है यात्रियों को यहाँ की यहाँ मिलेगी। उसके लिए हमने एंट्रेंस गेट जो रखा है उसमें कोशिश किया है कि मंदिर का थोड़ा सा स्कल्पचर उसमें हम आपको दिखा सकें और साथ में जो सर्कुलेटिंग एरिया हमारा रहेगा वहाँ भी हमने स्कल्पचर का प्रोविज़न रखा है, जो कि गजानन महाराज का जो टेंपल है यहाँ पर, उसको थोड़ा सा कुछ यहाँ उसकी एक झलक हम दिखा सकें।
प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं कि हर रोज इतने यात्री यहाँ आते हैं, तो वहाँ का रश कम करने के लिए क्या योजनाएं बनाई है? उसके लिए हमने एक सेंटर में 12 मीटर वाइड एफओबी का प्रोविजन किया है, जिसकी विड्थ सफिशियंट रहेगी, जिसमें लोग पैसेंजर जो है वहाँ उनके लिए वेटिंग एरिया का भी प्रोविजन रहेगा, कुछ रिटेल का भी प्रोविजन रहेगा, कियोस्क वगैरह रहेंगे, जिससे पूरी क्राउड जो है वो एफओबी के ऊपर ही बैठी रहेगी। जिस वक्त ट्रेन का अनाउंसमेंट होगा वो प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी, इससे प्लेटफॉर्म का कंजेशन हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि बहुत ही बढ़िया जो है सुविधाएं आने वाले दिनों में नागरिकों को मिलने वाली है शेगांव स्टेशन पे। शेगांव ये ऐतिहासिक, इसका एक महत्व है, गजानन महाराज का यहाँ पर मंदिर है और लाखों भाविक भक्त यहाँ जो है हर रोज आते हैं, और उसी के दृष्टिकोण से अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत ये स्टेशन जो है डेवलप किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, शेगांव।